अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना, ठीक, क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो क्या किया जाए? तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट को यूज करेंगे। आपके पास ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्पीड। मैं इस यू की वैल्यू को यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक, इसकी वैल्यू को लिख रही हूँ, यू की वैल्यू को जो ग्रीन शील्ड ने दिया। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कि यू एस एफ, ठीक, क्या हो जाएगा, वन माइनस के बाई के जी, ठीक, इस के को अंदर ले लेते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू यू एस एफ के माइनस के स्क्वायर बाई के जी, ऐसा ही होगा ये इक्वेशन, ठीक। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर टू, इसको बोला आपका इक्वेशन थ्री लिखूंगी, इसको टू और इसको लिखा थ्री। अब मैं एक एनालिसिस कर रही हूँ कि मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर मिलता, ठीक, ग्राफ से मैंने देखा, ग्राफ में भी आपको दिखाया था कि मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर मिलता है, जहां पर जाम डेंसिटी आधा है या जहां पर फ्री मीन स्पीड क्या है, आधा। अब उसको प्रूफ करके देखते हैं ग्रीन शील्ड के फॉर्मूले से कि आधे पे मिलता है कि नहीं। तो अगला आएगा, भी पहले समझ लो इतने को, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, हम क्या बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैंने क्या किया, डी क्यू को के के, यहाँ पर वेरिएबल अभी क्या दिख रहा है, के, के की पावर वन के स्क्वायर, तो के के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इक्वल टू क्या किया इसको, जीरो। तो मेरे को ये कौन सी कंडीशन मिलेगी, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन, जैसा मैथमेटिक्स में होता, ठीक। तो उस पार्ट के लिए मैं इस इक्वेशन थ्री को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, यू एस एफ ऐसा ही रहने दो, डी के बाई के क्या हो जाएगा, वन, ये क्या हो जाएगा, टू के डिवाइडेड बाई के जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक, इतना हो गया। अब यू एस एफ को मैं उधर ले जाऊं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इससे क्या रिलेशन मिलेगा, वन माइनस टू के बाई के जे इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो वन को इधर ट्रांसफर किया तो क्या मिला, टू के बाई के जे इज इक्वल टू वन, और सिंप्लीफाई किया तो के जे बाई टू, ये किसकी वैल्यू मिली, के की, ठीक, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री में फिर से, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, क्यू मैक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्यू मैक्सिमम की। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाऊंगी, ठीक। देखो इसका मैं डायरेक्ट कंक्लूजन भी बता सकती थी, बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा ही नाम लिख के पूछ लेता है, ठीक, इसलिए बहुत ध्यान से हम इसको हैंडल करेंगे। एक बार डेरिवेशन आपको बता रहे हो, सेम न्यूमेरिकल पूछा, इसका कंक्लूजन को फिर यूज करेंगे। ग्रीन शील्ड, अच्छा फर्स्ट पार्ट तो लिख लिया होगा ना ये पेज, ठीक, चलिए इस पार्ट को लिख लिया है, सेकंड पार्ट को मैं शिफ्ट कर लूं। सिंपल सा डेरिवेशन है, और ईएस के क्वेश्चन में या आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए पूछता है, तो करना कुछ नहीं है, जैसा मैंने स्टेप वाइज बनाया वैसा ही लिखेंगे, बट उस स्टेप्स में आप एक लाइन को थ्योरेटिकली भी मेंशन करते जाएंगे कि क्यों मैक्सिमम के लिए हमने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, किसके रेस्पेक्ट में, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, ऐसा करके हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक, चलिए करो, नोट करो इसको।
फ्लूड मैकेनिक्स का तैयारी कर रहे हो जी, कर रहे हो, अचानक से टेस्ट अनाउंस करूंगी मैं एक दिन पहले, और ऑनलाइन टेस्ट जब होता है तो चीटिंग बहुत करते हो, मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, मेरे को किसी का भी इस बार डाउटफुल नंबर दिखा। कई बार ये कंप्लेंट भी आई है कि दो तीन रूममेट एक साथ है, एक का पेपर आधा बना है तो क्या किया उसको सबमिट करवा दिया और दूसरे के पेपर से दे रहे हैं देख देख के, ऐसे करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला जी। बहुत से कैंडिडेट है, मेरे को क्लियर नाम पता है कि अपने रूममेट से डायरेक्ट फोन लेते हैं, अपना सबमिट कर दिए, तीन चार नंबर मिला और दूसरे को टॉपर बना दे रहे हैं। एक एक स्टूडेंट का हिस्ट्री हमारे पास है कि कौन कितना नंबर पा सकता है, इसलिए या तो टेस्ट ईमानदारी से दो या पियर मत हो। अगर मेरे को इस बार लिस्ट में कोई भी एक डाउटफुल स्टूडेंट दिखा तो मैं अगली बार से उसको क्लास में परमिट नहीं करूंगी जी। ये बात आप ध्यान रखेंगे टेस्ट देते टाइम जी। चल लिख लिया इतना सबने, हो गया। चल अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम वैल्यू ये हो गया केजे की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट पहले इक्वेशन टू में करते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन टू जी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे टू में। क्या था टू का फॉर्मूला, U is equal to USF 1 minus K by KG. K की वैल्यू क्या रख दूं मैं, KG by 2, ये हो जाएगा KG, KG से KG cancel, आपको U की वैल्यू क्या मिल जाएगी, USF by 2 जी, ये वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू मिल गया U का USF by 2, एक वैल्यू मिल गया K का KG by 2. अब for Q maximum, ठीक, Q max के लिए equation 1 में ये दोनों वैल्यू को रख दो, ठीक, equation 1 में ये इतना हो गया, ये वाला पार्ट लिख लिया ठीक। चल equation 1 में ये दोनों वैल्यू को आप रख दीजिए। इक्वेशन वन क्या था, Q इज इक्वल टू के इंटू यू, Q को अगर मैं Q मैक्स लिखूं तो K को क्या लिखूंगी, के जे बाई टू, और U को क्या लिखूंगी, USF by 2 ठीक, और इससे मेरे को फाइनल रिलेशन मिलेगा Q max इज इक्वल टू USF इंटू के जे बाय क्या हो जाएगा 4। ये हो गया आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रांसफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला मिल गया, मैक्सिमम ट्रांस